सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो पुणे यूनिवर्सिटी ने गाइज इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के जो टाइम टेबल्स है वो अब रिलीज़ कर दिए हैं हमारे ऑड सेमेस्टर के, एंड कौन से ईयर के टाइम टेबल्स आए हैं वो हम देखेंगे, एंड कब से आपके एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो आपको आ जाना है पुणे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्लिक कर लेना है एग्जामिनेशन पे, एग्जामिनेशन में फिर क्लिक करना है टाइम टेबल्स पे। टाइम टेबल्स में गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम टेबल फॉर अक्टूबर नवंबर 2023। यहाँ पे गाइज इंजीनियरिंग फैकल्टी में इनसेम के टाइम टेबल जो है वो अपडेट हो चुके हैं। कौन से ईयर के आए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इंजीनियरिंग की ये दो टाइम टेबल्स है, पहला तो है गाइज थर्ड ईयर TE 2019 पैटर्न इनसेम टाइम टेबल, एंड नेक्स्ट है गाइज बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, ये है मतलब फाइनल ईयर का इनसेम का टाइम टेबल, ठीक है 2023 का। एंड कब से एग्जामिनेशन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो थर्ड ईयर की जो एग्जामिनेशन है गाइज वो जो है वो स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 तारीख से, ठीक है मतलब 4 सितंबर से जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाली है थर्ड ईयर की। एंड यहाँ पे आप सारे जो सब्जेक्ट्स वगैरह वो भी देख सकते हो। एग्ज़ाम के बीच में गैप वगैरह तो नहीं रहती है इनसेम में जनरली, बिकॉज 30 मार्क्स का ही हमारा जो पेपर है वो रहता है, तो गैप नहीं रहती है, इनसेम में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे गैप नहीं है 4, 5, 6, 7 एंड 8 डायरेक्ट जो पेपर है वो कंटिन्यूएशन में जो है वो कंडक्ट किए जाने वाले हैं। एंड फाइनल ईयर के भी जो अपडेट है वो आ चुका है, फाइनल ईयर का आप देख सकते हो। यहाँ पे भी जो डेट है वो है 4 तारीख, एंड इनकी जो टाइमिंग है वो है 2 बजे से 3 बजे तक, एंड जो थर्ड ईयर की टाइमिंग है वो है 11 बजे से 12 बजे तक। तो थर्ड ईयर की सुबह एग्जामिनेशन रहेगी, एंड फाइनल ईयर की जो एग्जामिनेशन है वो दोपहर को रहेगी। फाइनल ईयर में जो डा का सब्जेक्ट है कंप्यूटर में थोड़ा टफ जा सकता है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले 2 यूनिट में अच्छा स्कोर कर लो तो एंड सेम में आपको ज़्यादा तकलीफ जो है वो नहीं होगी, बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स है वो तो ईजिली निकल जाएंगे। वही अगर मैं कंप्यूटर में थर्ड ईयर की बात करूँ तो TOC के ऊपर जो है वो अच्छा खासा ध्यान देना, इसमें अच्छा स्कोर करना इनसेम में ताकि एंड सेम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना है, एंड 28 को स्कोर करना पड़े तो इजीली आप जो है वो पास हो जाओगे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो जो टाइमिंग है वो तो सही है, बट गैप वगैरह भी नहीं, कंटिन्यूशन में पेपर होगा तो जितना अच्छा पढ़ाई करोगे उतना अच्छा आपका जो स्कोर है वो रहने के चांसेस रहेंगे। साथ ही में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो भी रेफर कर सकते हो, उससे भी आपको अच्छा खासा आइडिया आएगा कि ओवरऑल जो पेपर्स है वो कैसे सेट हो सकते हैं, एंड ऑलमोस्ट उसी के आसपास के जो क्वेश्चंस है वो रहेंगे। तो चेक ज़रूर कर लेना पिछले साल के इनसेम के पेपर्स, एंड से आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा। एंड अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज 10 दिन आपके पास है अभी भी, अगर अच्छा प्रिपरेशन करते हो तो 20+ अगर आपको मिलता है तो बहुत सही रहेगा। मैंने इनसेम में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उससे भी आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल आप कैसे 20+ जो स्कोर है वो कर सकते हो, ठीक है। ये सारे जो टाइम टेबल्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप जो है वो इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे अपडेट्स के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।